एक तरफ तो जहां आमिर खान की राकेश शर्मा बायोपिक छोड़ने की बातें हैं, वहीं दूसरी तरफ शाहरुख खान को रिप्लेस करने की बातें भी हैं। लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि आमिर खान ने आखिर राकेश शर्मा बायोपिक क्यों छोड़ी। सूत्रों की माने तो आमिर खान राकेश शर्मा बायोपिक को समय देकर धोखा नहीं देना चाहते थे। दरअसल आमिर खान एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो शुरू होने जा रहा है। ये प्रोजेक्ट आमिर खान का होम प्रोडक्शन है और ये एक फ्रेंचाइजी है जिसके 5 पार्ट होंगे। इतना ही नहीं, आमिर खान इस फ्रेंचाइजी का चेहरा होंगे और ये 5 फिल्में बचकर 2 साल पर अगले 10 साल तक आएंगी। फिल्म क्या होगी, कैसी होगी, किसी को नहीं पता, लेकिन आमिर खान का प्रोडक्शन हाउस इस पर 6 साल से काम कर रहा है। इनमें से कुछ फिल्में आमिर खान खुद डायरेक्ट करेंगे और कुछ उनके पुराने मैनेजर और सीक्रेट सुपरस्टार डायरेक्टर अद्वैत चंदन। एक बात तो तय है कि आमिर खान बॉलीवुड या भारत की सबसे महंगी सीरीज लेकर आ रहे हैं, यानी एक तरह से उन्होंने धूम डार का हिस्सा न होने का बदला ले लिया है। अभी तक धूम ही बॉलीवुड की सबसे बड़ी सीरीज है। धूम सीरीज धूम भारत की सबसे सफल फिल्म सीरीज है और अब फिल्म के 4th पार्ट की तैयारी है। जॉली एलएलबी सीरीज पहले पार्ट में अरशद वारसी और दूसरे पार्ट में अक्षय कुमार को देखने के बाद अब फिल्म के 3rd पार्ट के लिए शाहरुख खान की जगह अक्षय और अरशद को एक साथ देखना ज्यादा शानदार डील है। गोलमाल सीरीज रोहित शेट्टी की इस कॉमेडी सीरीज के फैंस इतने ज्यादा हैं कि पूछिए मत। और अब दिवाली पर फिल्म का 4th पार्ट रिलीज होने के लिए तैयार है। दबंग सीरीज सलमान खान की दबंग सीरीज तो ब्लॉकबस्टर थी ही, लेकिन फैंस कब से फिल्म के 3rd पार्ट का इंतजार कर रहे हैं। डॉन सीरीज, जब शाहरुख खान की डॉन अमिताभ बच्चन की डॉन के रीमेक के तौर पर आई, सबको काफी डाउट था, लेकिन डॉन और डॉन 2 दोनों ही ओवरसीज में जमकर कमाई कर गई। अब 3rd पार्ट का इंतजार है। वेलकम सीरीज, अक्षय कुमार की वेलकम के बाद जब वेलकम बैक में जॉन अब्राहम लौट कर आए तो फैंस निराश थे। इसके बावजूद फिल्म ने 98 करोड़ की कमाई। इससे ये तय है कि सीरीज को फैंस काफी पसंद करते हैं, इसलिए अब अक्षय कुमार को वेलकम टीम के लिए अप्रोच किया जा रहा है। हेट स्टोरी सीरीज, हेट स्टोरी एक ऐसी बोल्ड सीरीज है जिसे लोग देखते ही हैं। क्यों मत पूछे, क्योंकि इस क्यों का कोई जवाब नहीं है। वहीं हेट स्टोरी 3 में करण सिंह ग्रोवर को देखने के लिए लड़कियां पागल रहती हैं। रेस सीरीज, रेस 1 और रेस 2 दोनों ही फैंस को बेहद पसंद आई थी और अब्बास मस्तान की इस सीरीज के 3rd पार्ट के लिए सलमान खान का नाम आ चुका है तो फैंस और उत्साहित हैं। क्रिश सीरीज ऋतिक रोशन बच्चों के फेवरेट हैं और इसका कारण है क्यूट सा जादू जो वो कोई मिल गया से लेकर आए। और अब फिल्म का 4th पार्ट तैयार किया जा रहा है।